हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। मेरी जो लास्ट वीडियो मैंने डिप्रेशन पे बनाई थी, उसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम डिप्रेशन के साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मिथ्स को आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जाए। अगर कोई सच्ची में अवसाद में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो इसे ओवरकम कर पाए। ऐसे ही बहुत सारे सवालों को लेकर मैं आपसे जुड़ गई हूँ और आज मैं बात करूँगी अवसाद, उसका इलाज, उसका क्योर, उसका ट्रीटमेंट, और ऐसा कौन सा सही डॉक्टर है जिसके पास आपको जाना चाहिए अगर आप अवसाद से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि ऐसे बहुत से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को के डिस्कशन को लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि डिप्रेशन का इलाज क्या है, डिप्रेशन से फाइट कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिसको डिप्रेशन कह रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। क्या अपनी प्रॉब्लम को डिप्रेशन कहने से पहले आपके अपने किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जाके बात की है? बहुत से लोग जो मेरे पास आके मुझे ये कहते हैं कि मैम मुझे डिप्रेशन है, जो पहला क्वेश्चन मैं उनसे पूछती हूँ वो ये कि ऐसा क्या है जो आपको ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं। शायद वो ये बताते हैं कि हमें नींद में दिक्कत आ रही है, मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता, मैं सारा दिन थका हुआ रहता हूँ, मुझे कुछ करने की एनर्जी नहीं होती है। जब तक आपके सिम्टम्स को वैलिडेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल नहीं है, तब तक आप उसे डिप्रेशन का नाम ना दें तो ही बेहतर है। ज़रूरी है कि आप डेफिनेटली किसी की हेल्प लें और अपने डायग्नोसिस को डायग्नोसिस का नाम दें। इसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको कमर में दर्द है, तो जब तक आप डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं देखेंगे, एक्सरे नहीं करवाएंगे, कंफर्म नहीं करेंगे कि वो कमर दर्द हड्डी में दर्द होने की वजह से हो रहा है, मांस में हो रहा है, टेंडन है, लिगामेंट है, एग्जैक्टली है क्या, कोई नस खिंच गई है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, तब तक आप उसे डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते। चलिए, कुछ सिम्टम्स को मैं यहाँ लिस्ट करती हूँ और ये सिम्टम एक या दो दिन में नहीं है। अगर ये दो या तीन महीने में तीन या तीन से चार से ज़्यादा सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डिप्रेशन हो सकता है। फिर भी एक जांच करना ज़रूरी है। सिम्टम नंबर वन, Not interested in any activity। अगर आपको लगता है पहली कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जो मुझे अच्छी लगती थी लेकिन अब नहीं लगती है, तो शायद ये एक सिम्टम है। दूसरा, बिल्कुल एनर्जी ना लेना, काम करने का बिल्कुल मन ना करना। तीसरा, भूख, नींद, प्यास में कमी, ऐसा लगे कि कुछ नहीं खाना है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही या ज़्यादा आ रही, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा लग रही है। अगला सिम्टम है, शायद आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डेथ विशेस आ रहे हैं कि मैं नहीं होता तो बहुत बेटर होता, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे शायद कोई पनिशमेंट दे रहा है या मुझे पनिशमेंट मिल रही है, लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि नहीं मेरे से ये होगा ही नहीं, या मैं ये डिसीजन हमेशा गलत ही लूँगा, या आप ही सोच लो, मुझे नहीं सोचना है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मुझे तैयार होने का मन नहीं कर रहा है, मैं अच्छा लग के भी क्या ही कर लूँगा, सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी आ सकती है, ये सब साइंस हैं कि आपको डिप्रेशन है, सैडनेस, वर्थलेसनेस है ही इसके साथ। अब अगर मैं बात करूं कि किसे इसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को जानना। डिप्रेशन एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी। अगर ये एक्यूट है तो आप इसे घर पे खुद फाइट कर सकते हैं। अगर ये एक्यूट है तो आप कुछ थेरेपीज़ के माध्यम से, सेल्फ एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसे ओवरकम कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉनिक स्टेट में है तो आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प डेफिनेटली लेनी है। आपको अपने मेडिसिन का रेजीम डेफिनेटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन फॉलो करने से आप रेगुलरली आपको खाना पड़ेगा। तो अगर ये क्रॉनिक है तो आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगी कि फाइट कैसे करना है। टिप नंबर वन, भूख, नींद को बराबर रखिए।
कम सोना है, नींद, भूख नहीं लग रही, मैंने नहीं खाना है, भूख शरीर की ज़रूरत है। जब हमारा माइंड और शरीर रिलेटेड है तो हो सकता है हमें भूख ना लगे, लेकिन इसे एज अ फूड फॉर योर बॉडी आपने लेना है कि ये होएगा ही नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो फिर कोशिश करें कि खाना ज़रूर डालें, नींद नहीं भी आ रही है तो सोएं, सोने की कोशिश करें। नॉर्मल रूटीन जो आप 10 बजे सोते थे, 7-8 बजे उठने की कोशिश करते थे, वैसे उठिए। ऐसा ज़रूर लग सकता है कि मन ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना हो सकता है कि आप अपने रूटीन से उठ रहे हैं फिर भी दोबारा सो रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइम से सोएं, वो 10 बजे 11 बजे जब आप सोते हैं सोइए। तो ज़रूरी है कि अपने रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करें, नींद और भूख में कटौती नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादा भी नहीं खाना है। टिप नंबर 2, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपने रूटीन से निकालें नहीं, और अगर अभी तक नहीं करते थे तो अब करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज अपने आप को थकाएगा और मेंटली आपका थॉट कम होगा, तो आप डेफिनेटली रेस्ट के फेस पे जा पाएंगे, आपको नींद आने लगेगी, और जैसे ही वो नींद आएगा आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज करना नहीं भूलेंगे और मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड के जो वो चलने की घड़ी है, मैं सोचता ही रहता हूँ, कोई एक बात चलती रहती है, उससे आपको बाहर निकालेगा, इसलिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 3, अपनी लाइफ के गोल्स बनाइए। अगर आप गोल्स नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही रैंडमली दिन कट रहा है, कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, तो आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। अपने डिप्रेशन का रीज़न जानिए, उस रीज़न पे वर्क ऑन करिए, और ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को फिर से बनाएं और उस पर मूव करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दी हैं करनी है, मेंटल गोल्स पे भी आपने काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रुकना नहीं है। टिप नंबर 4, दूसरों के लिए अवेलेबल रही है। मैंने बहुत से डिप्रेशन क्लाइंट्स को देखा है कि वो अपने में रहते हैं, घर वाले उनसे पूछते ही रह जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप हमें बताइए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते, अपनी अपनी बताते रहते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते। और अगर आप अपने डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनके पास बैठिए और उनके बारे में पूछिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनसे जानिए उनका दिन कैसा रहा, क्योंकि कभी कभार दूसरों से बात करना आपको खुद से अपलिफ्ट करता है। ऐसे ही अपनी जॉब, अपना रूटीन, उसको एकदम से छोड़िए मत, उसे कंटिन्यू रखिए। हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, आपको एडजस्ट करने में इशूज़ आ सकते हैं, वीक में अगर 1 दिन या 2 दिन का आप ऑफ लेते हैं कोई बात नहीं इनिशियली, लेकिन कोशिश करिए अपने रूटीन को चालू रखिए, वैसे वैसे करते रहिए, सो दैट आपका वो नॉर्मल रूटीन आपके डिप्रेशन के ट्रेट को काम करेगा। तीसरी चीज़ जो आपने इस रूटीन में फॉलो करनी है वो ये कि आप हमेशा टॉक आउट, टॉक टू द फ्रेंड्स अराउंड यू एंड लुक फॉर द रीज़न। जब तक आप रूट पे काम नहीं करेंगे आपके सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। जब तक आपकी जड़ पेड़ की खराब है तो ऊपर से पत्ते क्यों खराब हो रहे हैं, उनको काट के फेंक रहे हैं, पत्तों पे काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। तो कोशिश ये करें कि अपनी जड़ तक, मेरे को ये स्ट्रेस हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। बहुत से पेशेंट जो मेरे पास भी आके ये कहते हैं ना, मैम बस मेरे सिम्टम्स चले जाएं, अपने रूट पे काम नहीं करना चाहते, उनको लगता है नहीं मेरे को क्यों काम करना है, ऐसा नहीं है। जब तक आप रूट पे काम नहीं करेंगे ये सब चीज़ें कभी भी ओवरकम नहीं होंगी। तो बैठिए, देखिए, ढूंढिए ऐसा क्या रीज़न है जो मुझे स्ट्रेस कर रहा है, और फिर उसके बारे में बात करिए। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट एक्यूट डिप्रेशन के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। बहुत सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो आपको मैसिवली हेल्प करती हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो से रिलेट कर सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको रिकरेंट थॉट्स किसी भी तरीके से आ सकते हैं जो आगे ऑब्सेशन में, हैल्यूसिनेशंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। बार बार कोई चीज़ का दिखाई देना, किसी की बात सुनना, ऐसा महसूस करना कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, इस तरह के थॉट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे पहले कि वो लाइन क्रॉस हो, ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, दिन में ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो मुझे खुश करती है। आपको नहीं भी मन कर रहा है, आपका नहीं भी मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आपका नहीं भी मन कर रहा है, आपको वो चीज़ें अब उतनी खुशी नहीं भी दे रही हैं, तो भी करिए, ज़रूरी है, ताकि आप वापस उस स्टेट में आ पाएँ, ताकि आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से बैलेंस हो जाए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मूविंग रखिए, चलाते रहिए। डिप्रेशन कम्प्लीटली क्योरेबल है, डिप्रेशन कभी भी ऐसा नहीं है, डिप्रेशन से सुसाइडल टेंडेंसी से आप बहुत से लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, बट डिप्रेशन की वजह से कभी भी किसी की जान नहीं जाती है। तो डिप्रेशन से बहुत ईजिली आप ओवरकम कर सकते हैं, अपने पे काम करिए, आपकी विलिंगनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स
कौन सा आप ऑप्ट कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट दोनों ही आपको डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए हेल्प करेंगे। किसी एक को भी मिस करना गलत है। अगर एक्यूट फेज है तो आप साइकोलॉजिस्ट खुद की विलिंगनेस से मूव कर सकते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की हेल्प लेना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप फिजिशियन से भी एटलीस्ट अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करेंगे, खुद को अपने आप से ब्लेम नहीं करेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और राइट ट्रीटमेंट लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल इक्वल है। सो आई होप इस वीडियो ने आपके क्वेश्चंस को आंसर किया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिख भेजिए, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करूंगी। मैं डॉक्टर नेहा मेहता बहुत सारी ऐसी वीडियोस के साथ, बहुत सारे मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस के साथ आपसे जुड़ती रहूंगी। मेरा प्रयास ही ये है कि हम बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके टैबूज या उसके मिथ्स को बहुत जल्दी से दूर करें, ताकि लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी उतना ही कॉमनली उसके बारे में बात करें जितना किसी कमर दर्द या पेट दर्द के बारे में करते हैं। आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें।